नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों बात करें तो जिस तरीके से छठ पूजा के बाद खेसारी लाल यादव को लेकर कई सारे गाने आ रहे हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव कई सारे गाने गा रहे हैं, लेकिन वो गाना जो है जितना उन पर एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा था। ये बात सच है कि नहीं पड़ रहा था, जितना उनका ऑडियंस है, जितना उनके ऑडियंस देखते हैं, उस गाने पर उतना ज़्यादा व्यूज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस सब चीज से कोई अगर खुश था तो वो थे विरोधी, जो खेसारी लाल यादव को विरोध करते हैं, खेसारी लाल यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें करते हैं। थोड़ी सी भी कोई चीज़ें होती है तो उसको इतना बड़ा एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि मानो लगता है ऐसा कि अब खेसारी लाल यादव को नीचा ही गिरा दिया जाएगा। और ऐसे कई सारे मामलों में खेसारी लाल यादव के साथ दर्शक होता रहता है, लेकिन उनके फैंस का तांडव इतना ज़बरदस्त होता है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव के जो विरोध करते हैं उनके गाल पर तमाचा लग जाता है। और ऐसा ही हुआ है एक और गाना के साथ। बात करें तो सारेगामा हम भोजपुरी पर गाना रिलीज हुआ था, तू कुत्ते से दिल लगा ले, जो कि सुबह सुबह रिलीज हुआ था और सुबह में उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। लेकिन अचानक से जब गाना व्यूज़ मिलने लगा, गाना वायरल होने लगा, तो 13 घंटे में 1.7 मिलियन जो है आप शो हो रहा है 1.7 मिलियन जो है 13 घंटे में व्यूज़ मिल गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 घंटे में 1.7 मिलियन व्यूज़ मिलना कितनी बड़ी बात हो जाती है और इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही। वही बात करें तो 6 घंटे में जो है ये गाना जो है 1 मिलियन क्रॉस कर लिया था। और ये गाना फिलहाल जो है मेन सेक्शन में 6 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, और म्यूजिक सेक्शन में 25 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव का तांडव कितना है और छठ पूजा के बाद इतना सारे गाने को रिलीज़ किए हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि छठ पूजा के बाद एक भी गाना रिलीज़ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव का जलवा बरकरार है और खेसारी लाल यादव तांडव मचाए हुए हैं। तो ये अपडेट था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।